इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का 11वां सीजन हाल ही में शुरू हुआ है, जिसके अब तक 4 मैच हो गए हैं। ऐसे में चारों मैचों में एक चीज जो हर मैच में घट रही है वो चौंकाने वाली है। दरअसल आईपीएल में अब तक हुए चारों मैचों में जीत का एक अजीब लेकिन सही समीकरण बन रहा है, जिसके अनुसार टॉस जीतो मैच जीतो अब तक का सफल साबित हुआ है। दरअसल अब तक हुए आईपीएल में सभी मैचों में जिस टीम ने बाद में बल्लेबाजी कर टारगेट का पीछा किया उसने जीत हासिल की है। आइए नजर डालते हैं अब तक के मैचों के टॉस और उनके परिणामों पर। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस, इस मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसके अनुसार कप्तान धोनी ने चेन्नई के लिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मुंबई ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 165 रन बनाए थे, जिसके जवाब में बैटिंग करने उतरी चेन्नई की शुरुआत खास नहीं रही, फिर भी चेन्नई ने इस रोमांचक मैच को 1 विकेट से जीत लिया। दिल्ली डेयरडेविल्स और किंग्स इलेवन पंजाब, इस मैच में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब पंजाब के कप्तान अश्विन ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, फिर लोकेश राहुल के अर्धशतक की बदौलत आसानी से इस मैच को अपनी झोली में डाल लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, इस मैच में दिनेश कार्तिक ने भी टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जिसके बाद बेंगलुरु की बल्लेबाजी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और कोलकाता ने इस मैच को भी बड़ी आसानी से जीतकर अपने नाम कर लिया। सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल के इस मैच में हैदराबाद के कप्तान ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था, के बाद राजस्थान को 125 के आसान से स्कोर पर रोक दिया। बैटिंग करने उतरी हैदराबाद ने इस लक्ष्य को मात्र 15.5 ओवर में ही मैच को अपने नाम कर लिया।